बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 फरवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। अगर आप पूरे बिहार की खबरों से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप केडीवी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप में पूरे बिहार की लेटेस्ट खबरें दी जाती है, वो भी टॉप खबरें। साथ ही साथ इस ऐप में लोन से जुड़ी हुई खबरें दी जाती है, जॉब से जुड़ी हुई खबरें दी जाती है, योजना से जुड़ी हुई खबरें दी जाती है, हेल्थ से जुड़ी हुई खबरें दी जाती है। तो आप अभी इन सभी खबरों से रूबरू होना चाहते हैं और खुद से खबर को पोस्ट करना चाहते हैं तो केडीवी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर में जाकर के। इस ऐप में आप खुद से भी खबर को पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी खबर हो और मीडिया में देना चाहते हैं तो आप केडीवी लाइव के माध्यम से इसको दे सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, उसमें अकाउंट बनाएंगे और उसमें खुद से भी खबर को पोस्ट कर सकते हैं वीडियो के द्वारा और टेक्स्ट आर्टिकल के द्वारा। तो चलिए अब बात करते हैं आज की खबर की। तो आज खबर की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि एनडीए की सरकार बनते ही केंद्र ने दिया 87 करोड़ का तोहफा, 3 लाख शिक्षकों को मिलेगा फायदा। आरजेडी 28, कांग्रेस और लेफ्ट 6-6, नीतीश के निकलने के बाद महागठबंधन में नया सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय। सूत्र के हवाले से यह खबर सामने आई है। भैंस की सवारी करके लालू यादव से मिलने निकला मुजफ्फरपुर का जितेंद्र, बोला अब तक जब तक मिलेंगे नहीं तब तक वापस जाएंगे नहीं। नियोजित शिक्षकों की मांग हुई पूरी, सक्षमता परीक्षा को लेकर के नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी की बड़ी घोषणा। पति पत्नी और वो बीपीएससी शिक्षिका ने पति को दौरा दौरा करके पीटा, बीच सड़क हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। परेशान नीतीश कुमार, आरजेडी ने बता दी अंदर की बात, सरकारी नौकरी पर बीजेपी का गेम प्लान भी बताया। खबरदार, आपके पासपोर्ट में भी लगी है ऐसी मुहर तो पकड़े गए तो जाना पड़ सकता है जेल। राहुल गांधी की मौजूदगी में कन्हैया कुमार की मंच पर बेइज्जती, छीना माइक। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन, बिहार भाजपा को मिला पीएम मोदी का गुरु मंत्र, अगले 100 दिनों का सेट किया टारगेट, आम चुनाव का खींचा रोड मैप। बिहार की जनता बीजेपी नीतीश और लालू से है त्रस्त, चाहती है नया विकल्प, प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। बिहार में फिर बदलेगा मौसम, इस तारीख को बारिश का अलर्ट जारी। राजनीति में दरवाजा खुला ही रहता है, जरूरत पड़ेगी तो फिर घुस जाएंगे, लालू के बयान पर नीतीश के एमएलए का रिएक्शन। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर जदयू की सहमति, ललन सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति को से की मुलाकात। सेकुलरिज्म के नाम पर कब तक ठगे जाएंगे मुसलमान, ओवीसी ने कहा हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं नीतीश, तेजस्वी और लालू। इस बार आप 24 फरवरी 2024 को आसमान में देख पाएंगे बर्फीली चांद, कब कहां कैसे आएगा नजर, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। लवली आनंद के खिलाफ कृष्णैया की पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे अमिताभ दास। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि बिहार के सभी जेलों में पुलिस ने एक साथ मारी रेड। बिहार में हुई गड़बड़ियों की होगी जांच, सीएम नीतीश कुमार के बयान ने उड़ाई तेजस्वी की नींद। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए के गठबंधन के साथ जाकर के सरकार बना ली है। अब इसको लेकर के राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आसपास के लोगों से परेशान है, ये लोग मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख करके अपना लाभ ले रहे हैं, यही कारण है कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। जहां उन्होंने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आसपास के लोगों से काफी परेशान है। मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि राजद पर सरकारी नौकरियों का श्रेय लेने का आरोप लगा। राजद ने इंटरनेट मीडिया पर जब कभी नौकरियों से जुड़ी हुई सूचना जारी की तो उन सब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगी रहती थी, लेकिन चंद दिन पहले राज्य सरकार में शामिल भाजपा इन नौकरियों का श्रेय ले रही है तो फिर उनमें मुख्यमंत्री की चर्चा तक नहीं रहती है। शक्ति सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने
पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अलावा राजद कोटे के अन्य पूर्व मंत्रियों के विभागों की जांच का आदेश दिया है। राजद इससे डर नहीं रहा है, इस बात की भी जांच हो जाए कि 17 साल की तुलना में महागठबंधन सरकार के 17 महीने के कार्यकाल में कितना अधिक काम हुआ है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में राज्य की जनता एनडीए को खदेड़ देगी, क्योंकि भाजपा जिस तरह से पहले देश के संसाधनों को बेच रही थी, वही सब अब राज्य के संसाधनों के साथ करने जा रही है। दोस्तों, बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे के कई विभागों की जांच कराने की घोषणा की है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के भी विभाग शामिल है। जहां इस बीच राजद के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने भी एक जांच की मांग की है। सुधाकर सिंह ने कहा है कि बिहार में वर्ष 2008 से अभी तक 4 कृषि रोड मैप लागू किए गए हैं। जब कृषि रोड मैप के तहत जो कुछ भी सरकार की योजनाएं थी, वे पूरी तरीके से फेल रही है। राजद के विधायक सुधाकर सिंह ने कहा है कि बिहार में अभी तक 3 कृषि रोड मैप तैयार किया गया है। जब पहला कृषि रोड मैप 2008 से 2012 एवं दूसरा 2012 से 2017 का कार्यान्वयन पूर्ण हो चुका है, तथा तीसरे कृषि रोड मैप 2017-2022 का कार्यान्वयन अभी किया जा रहा है। वर्तमान में बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप तैयार करने की कार्य जारी है। ऐसे में यह आवश्यक है कि पूर्व में कार्यान्वित तीनों कृषि रोड मैप का परिणाम मूल्यांकन कराया जाए, यानी कि इन सभी का भी जांच किया जाए। दोस्तों, बिहार में अप्रैल 2016 से लागू शराबबंदी के बाद से राज्य में 10.5 लाख से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह इतना ही नहीं, 7 लाख से ज़्यादा आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं। यह आंकड़ा बिहार सरकार की ओर से जारी किया गया है। बावजूद भी इसके राज्य में, यानी कि बिहार में, शराब की तस्करी का खेल जारी है। तमाम सख्तियों के बाद भी सिर्फ वर्ष 2023 में राज्य में 39 लाख लीटर शराब जब्त की गई है। हाल ही में पेश हुए राज्य बजट में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग से जुड़ी पिछले वर्षों की कार्रवाई के विवरण में यह सामने आया है। इसमें कहा गया है कि मद्य निषेध नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए अप्रैल 2016 से नवंबर 2023 तक पुलिस एवं मद्य निषेध पदाधिकारियों द्वारा छापेमारी करते हुए कुल 7,09,406 अभियोग दर्ज किया गया है। शराबबंदी के मामले में अप्रैल 2016 से नवंबर 2023 तक 10,55,348 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इस अवधि में राज्य के बाहर से 7,646 अवैध शराब के कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। जब कुल जब्त वाहन 1,06,273 में से कुल 69,998 वाहनों को नीलाम कर दिया गया है, तथा 9,531 वाहनों को अर्धदंड पर विमुक्त किया गया है। दोस्तों, पीएम मोदी ने सार्वजनिक रूप से कह दिया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगा, जबकि खुद बीजेपी 370 सीटें जीतने जा रही है। जहां मोदी की इस घोषणा के बाद देश भर के राजनीतिक जानकार इस अधेर बुन में लगे हुए हैं कि बीजेपी को इतनी सीटें कहां से और फिर कैसे मिलेगी। या जिस तरह से बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए के पाले में चले गए हैं, या इससे बिहार का राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा गया है। या चर्चा इस बात की रही है कि क्या इस बार एनडीए 2019 की तुलना में बरकरार रख पाएंगे, क्या नीतीश के एनडीए में वापस जाने के बाद बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए बिहार की 39 सीटों को एक बार फिर से जीत लेगा, या क्योंकि बिहार की जनता इस चुनाव में नीतीश कुमार के बार बार बदलने वाले मिजाज को जरूर ध्यान में रखेगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी दावा किया है कि वे मोदी के रथ को बिहार में रोक देंगे, मतलब वे इस बार बिहार में बीजेपी को 2019 के प्रदर्शन को दोहराने नहीं देंगे। यहां एक बात आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 में एनडीए के हिस्से में 39 सीटें आई थी, जबकि एक सीट कांग्रेस को मिली थी। खैर, सबके अपने अपने दावे हैं, जहां चुनाव के बाद से ही सबके दावे की हकीकत का पता चल जाएगा। लेकिन ये तय है कि इस बार बिहार में सबके दावे गलत साबित होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आरजेडी और तेजस्वी यादव की बात करते हैं। तो नीतीश कुमार के साथ दूसरी बार सरकार बनाने के बाद तेजस्वी यादव ने निश्चित तौर पर अपने आप को संवारा है, जब अपने आप को निखारा है, जब उनकी राजनीतिक परिपक्वता में बढ़ोतरी हुई है। जब पिछले कुछ महीने के अपने कार्यकाल में वे बिहार की जनता को एक संदेश देने में सफल हुए हैं कि अब वे और फिर उनकी पार्टी बदल चुकी है। जब बिहार की जनता भी उनका समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि उनकी बदली हुई छवि का फायदा उन्हें और फिर उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिलेगा या नहीं। क्या बिहार की जनता मोदी की तुलना में उन्हें ज्यादा भाव या फिर ज्यादा समर्थन देती हुई दिखाई देगी। इस समय देश में दो ही धड़े काम कर रहे हैं, जो एक धड़ा मोदी के साथ खड़ा है, जबकि दूसरा विपक्ष के साथ। निश्चित तौर पर विपक्षी खेमे को कांग्रेस लीड कर रही है, यानी कि देश की जनता को जब ये एहसास हो जाएगा कि कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करते हुए दिख रही है, तभी
देश के किसी भी राज्य की जनता उस राज्य के स्थानीय पार्टी के समर्थन में खड़ी होती हुई दिखाई देगी। जहां बीजेपी लाख दावे कर लेगी इस बार वह 370 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जिस तरह से बीजेपी कुछ अन्य पार्टियों के नेताओं को अपने साथ ला रही है उससे ये बात तो साफ है कि उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जब वे भी डरी हुई है। मोदी भले ही आज एक चेहरा बन चुके हो लेकिन उन्हें भी सहारे की जरूरत है, इसलिए उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने पाले में कर लिया। जबकि अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने खुलेआम कह दिया था कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं। यही स्थिति कमोबेश कई राज्यों में देखने को मिल चुकी है और फिर चुनाव से पहले और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे बीजेपी का आईटी सेल पूरे देश में मोदी के लिए एक माहौल बना चुका है, जहाँ उनका आईटी सेल ये बताने में कामयाब हो चुका है कि मोदी और बीजेपी का कोई भी विकल्प नहीं है। बीजेपी का आईटी सेल ये भी बताने में कामयाब हो चुका है कि आज देश के हर वोटरों की जुबा पर मोदी का ही नाम है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर मोदी के पक्ष में माहौल बन चुका है तो फिर कुछ ऐसे नेताओं को बीजेपी अपने समर्थन में खड़ा नहीं करती जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। देश का एक धरा आज शांत है तो कुछ बोल नहीं रहा है। दोस्तों, बिहार में भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी की मुरेठा पूरे राजनीति में चर्चा का विषय रहा, जहां पूरे बिहार में अभी भी चर्चा में है। अब अपने मुरेठा को अयोध्या में राम का नाम करने वाले हैं। अब सम्राट चौधरी अपने मुरेठा को अयोध्या में राम के नाम करने वाले हैं। आपको बता दूं कि बिहार में सरकार बदलने के बाद यानी कि नीतीश के एनडीए में आने के बाद सम्राट चौधरी अपने मुरेठा को लेकर के भविष्यवाणी कर दी है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अयोध्या में अपनी पगड़ी को राम के नाम करेंगे। अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर सम्राट चौधरी मुरेठा बांधा क्यों था, तो आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कहा था कि ये मुरेठा उन्होंने एक संकल्प के तहत बांध रखा है, और इसे वे तभी खोलेंगे जब नीतीश कुमार को सत्ता से हटा देंगे। हालांकि बदले राजनीतिक समीकरण में अब वे खुद उनके साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं, ऐसे में उनके संकल्प का पूरा होना नामुमकिन लगता है। अब सम्राट चौधरी ने खुद मुरेठा को लेकर के जवाब दिया है। या बेशक सम्राट चौधरी ने इस मुरेठा को खोलने के पीछे नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने का संकल्प लिया हो, लेकिन इसे बांधने की वजह नीतीश कुमार नहीं है। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सम्राट चौधरी ने बताया था कि उन्होंने ये मुरेठा 2023 में अपनी माँ की मौत के बाद तब बांधा था जब बाल छिलवाए थे, जहाँ इसके बाद से वे इसे बांधते रहे हैं। जब फिर उन्हें कुछ दिन बाद प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली और इसके बाद उन्होंने मुरेठा के साथ बीजेपी को विजय बनाने और फिर नीतीश कुमार को हटाने का संकल्प जोड़ दिया। सम्राट चौधरी ने शपथ समारोह के अगले दिन यानी कि 29 जनवरी 2024 को कहा था कि वे सीएम नीतीश कुमार के साथ जल्द अयोध्या जाएंगे और दर्शन करेंगे। इस दौरान वहीं पर मुरेठा खोल करके उसे भगवान राम के चरणों में अर्पित कर देंगे। एक न्यूज चैनल से बातचीत में फिर से उन्होंने ये बातें दोहरा दी है। सम्राट चौधरी ने एबीपी न्यूज से बातचीत करने के दौरान बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने एक समुदाय की वोट बैंक पर गर्व करते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में आरजेडी बिहार में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पंजीकृत अपराधी है, जबकि नीतीश कुमार हमारे नेचुरल अप्लाई हैं। बॉलीवुड के हीरोइन सनी लियोनी सिपाही बनने के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा दे रही है। सनी लियोनी की परीक्षा का एडमिट कार्ड अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये एडमिट कार्ड सनी लियोनी का है। इसमें सनी लियोनी का दो फोटो दिखाई दे रहा है और बाकी उसका नाम लिखा हुआ है। आपको बता दूं कि पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा में अभिनेत्री सनी लियोनी के नाम की चर्चा हो रही है। दरअसल सिपाही भर्ती परीक्षा में सनी लियोनी के नाम से भी आवेदन दिया गया है। खास बात यह है कि प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड जारी होने के साथ ही अनुक्रमांक और परीक्षा केंद्र का आवंटन भी हो गया है। कन्नौज के तिरवा के सोनेश्री स्मारक बालिका महाविद्यालय में सुबह की पाली में एक सीट खाली रहने पर प्रवेश पत्र की कॉपी जांच की गई तो ये जानकारी सामने आई है। जब प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड में आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर शैक्षणिक योग्यता के अलावा अन्य जानकारी भी दी गई है। अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि ये किसके हैं। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया है कि कासगंज जिले से आवेदन दिया गया है, वहां की पुलिस को भी जांच करके कार्रवाई की बात कही गई है। बिहार में एक बार फिर से मौसम बिगड़ने वाला है, जहां अगले हफ्ते 21 फरवरी से गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। जहां इस दौरान उत्तर बिहार के साथ ही दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों में मेघ गर्जन और फिर वज्रपात के साथ हल्की बारिश होगी और आसमान में बादल छाए रहेंगे। जहां मौसम विभाग के अनुसार हिमालय में शनिवार की देर शाम को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आया, जिसका प्रभाव 17 और 18 फरवरी को देखा जा सकता है। इस दौरान पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की होने की संभावना है, लेकिन 20 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ की कमजोर
पड़ते ही 21 फरवरी से बारिश होने के साथ ही आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं बादल और फिर बारिश की वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। जब वही आसमान में बादल छटने और फिर हिमालय से बर्फीली ठंडी हवा चलने के कारण एक बार फिर से बिहार में ठंड की वापसी होगी, जिस कारण फरवरी माह के अंतिम सप्ताह तक लोगों को ठंड का एहसास हो सकता है। दोस्तों बिहार के करीब करीब 6 लाख शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 6 लाख शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें अपनी सैलरी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उनके खाते में अब हर महीने पहली तारीख को ही सैलरी आ जाएगी। जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस संबंध में सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। दरअसल पिछले कुछ समय से शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलने में दिक्कतें आ रही थी। के पाठक ने पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में इसे लेकर निर्देश दिया था। के पाठक ने कहा कि शिक्षकों के वेतन में देरी नहीं होनी चाहिए, जब महीना खत्म होते ही पहली तारीख को उनके खाते में सैलरी डल जानी चाहिए। जहां हाल ही में बीपीएससी से बहाल हुए शिक्षक कुछ शिक्षकों को भी बीते 2-3 महीनों से वेतन नहीं मिलने की बात सामने आई थी। इसके बाद के पायलट ने समीक्षा की, जिसमें पाया गया है कि 1% नवनियुक्त शिक्षकों को अब तक वेतन मिलना शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन अब खुशखबरी वाली खबर यह है कि अब शिक्षकों को हर महीने वेतन मिल जाएगा, हर महीने की पहली तारीख को। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन में जाने वाले हैं और उनका बीजेपी से मुंह भंग हो गया है? ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद जदयू के नेता कह रहे हैं, वो भी छोटा मोटा नेता नहीं बल्कि नीतीश कुमार के करीबी विधायक कह रहे हैं। जय नीतीश कुमार के करीबी विधायक कहते हैं कि राजनीति में दरवाजा बंद नहीं होता है, राजनीति में कभी भी दरवाजा बंद नहीं होता है, जब होता है दरवाजा से इंटर हो जाता है। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के पुराने साथी रहे नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला रहने वाले लालू प्रसाद यादव के बयान पर सियासी चर्चाओं का दौर अब भी जारी है। अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू विधायक गोपाल मंडल का पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि दरवाजा तो खुला ही रहता है, किसी राजनीतिक व्यक्ति का दरवाजा बंद होता है क्या? जरूरत पड़ेगी तब घुस जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? यानी कि ये साफ साफ है कि नीतीश कुमार अब भी महागठबंधन में अपना दरवाजा खुला रखे हैं। यह नीतीश कुमार जब चाहें बीजेपी से अलग होकर के महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। यहाँ तक कि अब महागठबंधन के नेता भी ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा हमेशा खुला है। आज जो बयान आया है ये जेडीयू नेता का बयान आया है, लेकिन इससे पहले भी महागठबंधन के नेताओं ने कह दिया है कि नीतीश कुमार जब चाहे महागठबंधन में आ सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। तो नीतीश कुमार के लिए डबल पॉइंट हो जाएगा कि जब भी अगर बीजेपी से मुंहभंग होती है तो फिर वो वहां से छिटक करके महागठबंधन में आ जाएगा। नीतीश कुमार के लिए अभी भी चांस बचा हुआ है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पार्टी का नाम बदल दिया है। जब उनकी पार्टी पहले RLJD था, यानी कि राष्ट्रीय लोक जनता दल, लेकिन अब उन्होंने RLJD से पार्टी को बदल करके रख दिया है राष्ट्रीय लोक मोर्चा। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम से जाना जाएगा। जय इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी और सीट बंटवारे के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि जब से हमने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया था, तब से कई तरह की बातें हमारी पार्टी के बारे में होती है। पार्टी की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने पत्र लिखा था, जब पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज भी दिए थे, 5-6 नाम हमने मांगे थे, 5-6 नाम हमसे मांगे गए थे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कल चुनाव कमीशन का पत्र हमको मिला, जब पार्टी का नाम बदल दिया गया है। राष्ट्रीय लोक जनता दल पहले मेरी पार्टी का नाम था, अब पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा से रजिस्टर्ड हो गई है। जब पहले जो नाम पार्टी का हमने रखे थे उसका नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल, लेकिन अब उस नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। जहाँ चुनाव आयोग ने कहा था कि इस तरीके का मिलता जुलता नाम कुछ और पार्टियों का है, जहाँ अलग से 5-6 नाम दीजिए। एक राष्ट्र एक चुनाव क्या संभव है? यानी कि एक राष्ट्र में एक ही चुनाव हो 5 साल में, आपको क्या लगेगा कि ये चीज संभव हो सकता है, ये चीज हो सकता है? यानी कि 5 साल में एक ही चुनाव, चाहे लोकसभा, विधानसभा, पंचायत स्तर के, यानी जो भी चुनाव हो, सभी चुनाव एक ही बार में होना चाहिए। ये कहना मेरा नहीं बल्कि ये कहना है बड़े बड़े नेताओं का। इसको लेकर के अभी प्रक्रिया जारी है और ये ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा और हो सकता है कि नहीं। अब बड़ी खबर सामने ये आई है कि एक राष्ट्र एक चुनाव को जेडीयू ने समर्थन दे दिया है।
जी हाँ, आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने कह दिया है कि मैं इसका समर्थन करता हूं कि देश में एक चुनाव होना चाहिए, एक राष्ट्र है तो एक ही चुनाव होना चाहिए, अलग अलग चुनाव नहीं। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए या नहीं। आपको बता दूं कि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह तथा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा ने इस संबंध में पार्टी के दृष्टिकोण से जुड़े पत्र को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी को सौंपा है। जदयू ने ये भी कहा है कि पंचायत और फिर नगर निकाय के चुनाव भी एक साथ होने चाहिए पर लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव से अलग होने चाहिए। जदयू का कहना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने से चुनाव से जुड़ी हुई हिंसा को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। एक इवेंट होने की वजह से सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति प्रभावी तरीके से कराने में मदद मिलेगी। एक बार इस प्रक्रिया के अस्तित्व में आ जाने के बाद आम नागरिकों के लिए भी ये सुविधाजनक होगा क्योंकि लोग आसानी से अपने को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ सकते हैं। जेडीयू का कहना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से ये संभव हो सकेगा कि राजनीतिक दलों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकेगा या अपने एजेंडे को बताने के लिए उन्हें समय मिल सकेगा। असदुद्दीन ओवैसी दो दिवसीय दौरे पर किशनगंज आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने किशनगंज के कई मुद्दों को उठाया, खासकर सीमांचल में मुद्दों को उठाया। किशनगंज में एएमयू निर्माण में देरी को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जब सरकार में नहीं थे तो फिर खूब जिक्र करते थे, जब सत्ता में आते ही सब भूल गए हैं। आपको बता दूं कि किशनगंज में AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी अपने दो दिवसीय दौरे पर आए हैं, जहां आज उनका जिले में दूसरा दिन है, जहां पहले उन्होंने चकला स्थित एएमयू शाखा का निरीक्षण किया, जिसके बाद वे कोचाधमन में रहमतपारा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दूं कि बिहार के मुस्लिम बहुल जिला किशनगंज में लोकसभा चुनाव को लेकर के सबकी नजर बनी हुई है। इसी क्रम में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपने दौरे के तहत किशनगंज शुक्रवार को पहुंचे, जहां उन्होंने ठाकुरगंज के पोखाली में मेला ग्राउंड में एक बड़े जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद शनिवार को वे कई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अररिया निकल गए, जहां शनिवार को सर्वप्रथम असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज के चकला अंतर्गत स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने एएमयू के शाखा के निर्माण में देरी को लेकर की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब तक एएमयू का निर्माण नहीं होना बड़ी दुख की बात है। जब तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं थे तब वे इस शाखा की बहुत जिक्र करते थे, मगर सत्ता पाने के बाद सब भूल गए। उन्होंने कहा कि एएमयू का निर्माण हो जाने से इलाके के बच्चे युवाओं के पढ़ाई में काफी आसानी होगी। एएमयू के सरजमीन पर असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन और फिर एनडीए पर जमकर के बरसे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार के साथ झारखंड में भी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। जहां वही एएमयू के बाद असदुद्दीन ओवैसी कोचाधमन के रहमतपारा पहुंचे, जहां वे बड़े जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद वे अररिया जिले के लिए निकल गए। खबर कटिहार से सामने आई है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले सियासत गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन छोड़कर के एनडीए में शामिल होने से देश में सियासत के धुरंधर चित हो गए हैं। अब इनकी सुलग जिला स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। कटिहार में आरजेडी से जुड़े नेता विनोद सिंह अपने दर्जनों समर्थक के साथ आरजेडी को बाय बाय कहकर के जदयू का दामन थाम लिया। यह जदयू नेताओं ने जयप्रकाश नगर में अभिनंदन समारोह आयोजित करके विनोद सिंह और फिर उनके समर्थकों को फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान सांसद दुलालचंद गोस्वामी के अलावा पूर्व जिला अध्यक्ष राज संजीव श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष मुकेश कुमार और बाकी कई सारे पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। खबर अररिया से सामने आई है। यहाँ पर किसान आंदोलन के समर्थन और फिर बिजली संशोधन बिल 2020 के खिलाफ वामपंथी संगठन के सदस्यों ने शुक्रवार को पैदल मार्च करते हुए प्रदर्शन किया। वामपंथी दल के सदस्य शहर के बस स्टैंड से एडीबी चौक होते हुए चांदनी चौक तक पैदल मार्च निकाल करके प्रदर्शन किया। वामपंथी दल के सदस्यों ने जिला मुख्यालय के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन किया। जहाँ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नौशाद आलम ने कहा कि भाजपा सरकार के दमन के खिलाफ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी चक्का जाम आंदोलन किया गया है। उन्होंने बताया है कि मैट्रिक की परीक्षा को देखते हुए चक्का जाम आंदोलन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किया गया, ताकि परीक्षार्थियों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज आए हुए हैं। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर जमकर के भड़ास निकाला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लालू नीतीश ने 3 दशक बिहार में राज किया, लेकिन आपको क्या दिया? आपको कुछ नहीं दिया। आपको बता दूं कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को किशनगंज के बाद पूर्णिया में जनसभा को संबोधित किया। जब किशनगंज लोकसभा में आने वाली डगरुआ स्थित हाई स्कूल डगरुआ से पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बैक टू बैक कई जुबानी हमले किए। जैसे सीएम नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद
यादव को घेरते हुए कहा कि दोनों ने मिलकर के 3 दशक राज किया, आपको क्या मिला? देश में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को लेकर के आगाह किया है। इस दौरान वे राजद में शामिल हुए अपने 4 विधायकों पर भी खूब बरसे। जब विधायकों को बेईमान तक कह डाला, वे करीब 1 घंटे तक जनसभा में गरजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, हमें मिलकर के ये कोशिश करनी चाहिए कि बीजेपी के बढ़ते कदमों को रोकें। जब पीएम मोदी जब दुबई गए तो फिर वहाँ के शेख के गले से ऐसे लपके जैसे 2 भाई से मिले हैं, हबीबी कहकर के उनसे मिले। जहाँ पीएम को उस बिल्किस बानो को बुलाकर भी मिलना चाहिए, पीएम को उस बिल्किस बानो को बुलाकर भी मिलना चाहिए जिस वक्त वे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। ना जाने कितने लोगों ने उनकी इज्जत लूटी। जब उनकी 3 साल की बेटी का कत्ल हो गया, उसकी माँ और परिवार के 2 सदस्यों को मार डाला गया, जब पीएम मोदी उस बिल्किस बानो को कभी भी नहीं बुलाए हैं, जी हाँ कभी घर नहीं बुलाए हैं, या उसके सर पर हाथ रखें और फिर उसे कहें कि बेटी तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि भारत की राजनीति में मुसलमानों को उनका जायज मुकाम मिले। जब कोई कानून बने शरीयत के खिलाफ तो फिर खड़े होकर के उसकी धज्जियां उड़ा दे। जिस तरह यादवों ने तरक्की की है उस तरह सीमांचल का गरीब तरक्की करे। जिस तरह यादवों ने लालू और फिर उनके परिवार को 17 साल तक सत्ता दी, नीतीश और लालू को देखते हुए 32 साल बिहार के निकल गए। लालू परिवार और नीतीश ने आपको क्या दिया? मैं यहाँ कुछ हासिल करने नहीं बल्कि इंसाफ की लड़ाई लड़ने आया हूँ। अपने विधायकों के राजद में चले जाने पर बोलते हुए कहा कि 4 बेईमान चले गए, इसमें से एक को आपदा की मिनिस्ट्री दी थी। जब वक्त पलटा और उन पर आपदा आ गई, जब सारे खत्म हो गए। किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि डॉक्टर साहब काश ये कह दे कि पूर्णिया का एयरपोर्ट बन जाए। जब एमपी रहते हुए कभी डॉक्टर साहब ने पूर्णिया एयरपोर्ट की आवाज नहीं उठाई, जब मगर AIMIM ने पुरजोर तरीके से एयरपोर्ट की आवाज़ उठाई है, जो एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया है। इस बार मेरी मांग है कि किशनगंज से अख्तरुल ईमान को आप अपना एमपी बनाएं। जब बिहार की तारीख में ऐसा कोई भी एमपी नहीं रहा होगा जो अख्तरुल ईमान की तरह बिहार की आवाज़ को उठाएगा। मुस्लिम बहुल जॉर्डन में करीब 120 भारतीय 1 माह से फंसे हुए हैं। ये सभी कामगार हैं जो वहाँ एक कंपनी में काम कर रहे थे। जहाँ भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप के बाद मजदूरों की जान बची है और वे घर लौट रहे हैं। जब बिहार के सीतामढ़ी जिला के 6 मजदूर फंसे थे, जिनमें से 1 मजदूर घर लौटा है। बताया गया है कि जॉर्डन में कंपनी बंद होने के बाद ना तो मजदूरों को कंपनी से बाहर जाने दिया जा रहा था और न ही वीज़ा पासपोर्ट वापस किया जा रहा था। ये सभी भारतीय नरक की जिंदगी जीने को मजबूर थे। इन लोगों के साथ नेपाल के भी कुछ कामगार शामिल थे। जॉर्डन से लौटे रहमतुल्ला रईन ने रोंगटे खड़े कर देने वाली वहां की दास्तान बताई है। रहमतुल्ला ने बताया है कि साल 2016 में 14 जनवरी को सिलाई का काम करने जॉर्डन स्थित असील यूनिवर्सल गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग नामक कंपनी में गया था। करीब 5.5 साल बाद अप्रैल 2022 में घर आया था। फिर 22 जुलाई 2022 को जॉर्डन चला गया था। जब उसने बताया है कि जब वह दूसरी बार जॉर्डन पहुंचा तो फिर कंपनी की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी और अंत में कंपनी बंद हो गई। रहमतुल्ला ने बताया है कि करीब 3 माह तक घर के अंदर नजरबंद रहना पड़ा था। कभी भोजन तो कभी पानी की समस्या से गुजरना पड़ा। बिजली भी काट दी गई थी। कंपनी द्वारा उसका और फिर उसके साथियों का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। 5 माह का वेतन और फिर 7 वर्ष का PF की राशि भी कंपनी घेर रखी थी। उस कंपनी में कार्यरत कर्मी जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जी हाँ, कंपनी के समक्ष धरना प्रदर्शन करने पर वहाँ की सरकार के इशारों पर पुलिस ने डंडे भी चलाए और फिर आंसू गैस भी छोड़े। यह कमरा भी खाली कराने की चेतावनी दी गई। दोस्तों, बिहार को बड़ी साइंस सिटी मिलने जा रही है। बिहार को बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी। जी हाँ, पूरे बिहार में देखा जाए तो बिहार की राजधानी पटना में बिहार का एकमात्र साइंस सिटी है। लेकिन बिहार में ही एक देश का सबसे हाईटेक और फिर सबसे बड़े साइंस सिटी का निर्माण हो रहा है और यह साइंस सिटी अंतर्राष्ट्रीय पैमाने की सुविधा के साथ बनाया जा रहा है। आपको बता दूं कि इस साइंस सिटी का निर्माण अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में देश का सबसे हाईटेक साइंस सिटी में बनाया जा रहा है। जी हाँ, वहीं साइंस सिटी का दौरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। आपको बता दूं कि ये साइंस सिटी अब लगभग बनकर के तैयार हो चुका है और जल्द ही इसका उद्घाटन भी हो सकता है। आपको बता दें कि इस APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार की राजधानी पटना में किया जा रहा है, जहां पर राजधानी पटना के बीचों बीच स्टेडियम के जस्ट बगल में इस शानदार साइंस सिटी का निर्माण चल रहा है। आपको बता दूं कि इस साइंस सिटी का नाम APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी रखा गया है। वहीं इस साइंस सिटी को करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। आपको बता दूं कि इस साइंस सिटी का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। पहले चरण में
पहले फेज का निर्माण पूरा किया जाएगा और फिर पहले फेज का निर्माण 2024 के अगस्त तक पूरा कर लिया जा सकता है और फिर आम लोगों के लिए खोल दिया जा सकता है। खबर किशनगंज से सामने आई है। यहाँ पर किशनगंज में नेपाली हाथियों द्वारा उत्पात लगातार जारी है। यहाँ उत्पात मचाया जा रहा है, फसलों को नष्ट किया जा रहा है, घरों को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, गरीबों का लाखों नुकसान किया जा रहा है। आपको बता दूं कि किशनगंज में हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया है। दिगल बैंक के कई गाँव में तांडव मचाते हुए कई घरों को तोड़ दिया, जहाँ साथ ही साथ किसानों की फसलें भी नष्ट कर दी गई। शनिवार की अहले सुबह तक नेपाल से करीब 9 हाथियों के झुंड ने सीमावर्ती क्षेत्र दिगल बैंक प्रखंड के कई हिस्सों में घुस करके तांडव किया, जहाँ इस दौरान 8 कच्चा टंगटंगी तलवारबंदा सहित कई इलाकों में लोगों के कच्चे और फिर पक्के मकानों को तोड़ दिया गया। यह लोगों का लाखों का नुकसान हुआ है, जहां स्थानीय लोगों द्वारा किसी भी तरीके के हाथियों को भगाया गया। यह घटना की सूचना वन विभाग को दी गई। इधर आसपास के इलाकों में हाथियों की खबर सुनते ही इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों में पीड़ित अशफाक जानकारी देते हुए बताया है कि अक्सर सीमावर्ती गांव में नेपाल से हाथी घुस करके तांडव मचाते हैं, जिससे हमें काफी नुकसान होता है। वन विभाग द्वारा अब तक कोई भी पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही सूचना देने पर भी वन विभाग के लोग जल्द नहीं आते हैं। लोगों में आक्रोश का माहौल है। अगर आप पूर्णिया के रहने वाले हैं तो आप संभल के रहिए, क्योंकि पूर्णिया में बाइक चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। जहां पूर्णिया जीएमसीएच में बाइक चोरी के बाद खूब बवाल हुआ, जहां खुद का और फिर अपने सास का इलाज कराने पहुंचे शख्स की बाइक 10 मिनट के अंदर ही चोरी हो गई। जब पीड़ित ओपीडी के बाहर अपनी बाइक खड़ी करके डॉक्टर से दिखाने उनके चैम्बर में गया था, जब वापस आने पर अपनी बाइक वहां से गायब पाया। जब वही पीड़ित शख्स ने बाइक चोरी का आरोप वहां पास में लगे ही एक जैसी दिखने वाली बाइक के स्वामी पर लगाया है, जिसके दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। हालांकि सूचना पाकर के मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने मामले के बढ़ने से पहले ही हालात काबू पा लिया गया है। या बाइक समेत दोनों पक्ष को पुलिस थाना ले आई, जहां पीड़ित शख्स की पहचान मधेपुरा जिला के भान टेखली गांव निवासी नंद किशोर राम के बेटे अजय कुमार के रूप में हुई है। बिहार में महागठबंधन ने लोकसभा चुनाव को लेकर के सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया है। यहाँ पर आरजेडी 28 सीट पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 6 सीट पर, वहीं पर लेफ्ट पार्टियां 6 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दूं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आरजेडी और कांग्रेस से अलग होने के बाद महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नया फॉर्मूला बनने जा रहा है। जेडीयू के अलग होने से आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को अब ज्यादा सीटें लड़ने का मौका मिलेगा। जैसे सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी बिहार की 28 सीटों पर चुनाव सकती है, वहीं कांग्रेस को 6 एवं इतनी ही सीटें लेफ्ट पार्टियों को देने के मूड में है। इनमें से सीपीआई माले को 3 से 4 और सीपीएम एवं सीपीआई को भी 1-1 सीट मिल सकती है। सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी ने दो दिन पहले आरजेडी के प्रदेश नेतृत्व को अपना संशोधित प्रस्ताव भेजा है, इसमें पहले की तुलना में अधिक संख्या में सीटें मांगी गई है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि सीपीआई माले ने अब कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा है। जब आरजेडी महागठबंधन में थी तब माले ने आरजेडी से आरा, पाटलिपुत्र और फिर सिवान समेत बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर दावा पेश किया था। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की जेडीयू के एनडीए में जाने के बाद सीपीआई माले बिहार की 9 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जहां इसमें से कटिहार लोकसभा सीट भी शामिल है, जिस पर कांग्रेस की नजर है। लेफ्ट पार्टी कटिहार पर अपना मजबूत दावा पेश कर रही है। यहां से सीपीआई माले अपने वरिष्ठ नेता एवं विधायक महबूब आलम को उतारना चाहती है। पति पत्नी और वो का मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि बीपीसी शिक्षिका ने पति को दौरा करके पीटा है और भी 20 सड़क पर पीटा गया, जिससे हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ। आपको बता दूं कि बिहार के समस्तीपुर जिले में भी एसएससी परीक्षा पास करके हाल ही में शिक्षिका बनी एक महिला ने अपने पति को सड़क पर दौरा करके पीटा है। यह मामला सिंघिया में दुर्गा स्थान चौक का है। महिला द्वारा अपने पति को इस कदर पीटते देख करके हर कोई हैरान रह गया, जहाँ चौक पर बहुत देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। जहाँ इस हाई वोल्टेज ड्रामे के चलते करीब आधे घंटे तक यातायात भी जाम हो गया। जहाँ स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, फिर कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैफिक को सुचारू करवाया गया। जहाँ ये घटना शुक्रवार शाम की है। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के अवैध संबंध से तंग आ चुकी थी, इसकी 20 सड़क पर ही पिटाई कर डाली। शिक्षिका ने बताया है कि उसके पति का एक लड़की से अवैध संबंध है। इसकी जानकारी होने पर उसने मामला दर्ज कराया था, जिसमें उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके बाद पति ने उसे ठीक से रहने का आश्वासन दिया था, तब उसने केस खत्म करा करके उसे जेल से निकलवा लिया गया। दोस्तों, बिहार में एनडीए सरकार बनते ही केंद्र सरकार ने बिहार को 87 करोड़ का तोहफा दिया है। आपको बता दूं कि इससे 3 लाख शिक्षकों को फायदा मिलेगा।
जी हाँ, बिहार में 3.5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण में केंद्र सरकार ने धन मुहैया कराने की स्वीकृति दे दी है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार को 87.8 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी, जब पिछले 2 सालों से समग्र शिक्षा के तहत शिक्षक प्रशिक्षण योजना के लिए केंद्र राशि नहीं मिला है। अब एक मुश्त राशि देने की स्वीकृति मिली है, जहाँ इससे बिहार सरकार को शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्य लक्ष्य के अनुरूप आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग के तहत संचालित शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया है कि शिक्षण कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देना आवश्यक है। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज में जिला स्तरीय फरोगे उर्दू कार्यशाला सेमिनार एवं मुशायरा का आयोजन हुआ। इस सेमिनार का आयोजन अंबेडकर भवन हॉल किशनगंज में किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके प्रभारी पदाधिकारी जिला उर्दू कोषांग जफर आलम, जिला भू अर्जन पदाधिकारी संदीप कुमार एवं अनुमंडल पदाधिकारी लतीफुर रहमान ने दीप प्रज्वलित करके किया है। जहाँ प्रभारी पदाधिकारी जफर आलम ने वहाँ उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत गुलदस्ता देकर के किया। जहाँ इसके बाद उपस्थित पदाधिकारियों जिला उर्दू नामा पुस्तक का विमोचन किया गया और फिर उर्दू के फरोग पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। जब बारी बारी से सभी वक्ताओं ने उर्दू भाषा के विकास, इसके प्रचार प्रसार, उसका प्रयोग एवं विकास पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। जब प्रभारी पदाधिकारी जफर आलम ने बताया है कि उर्दू भाषा इस देश की अपनी भाषा है, जो यही पली बड़ी है, यही विकसित हुई है और फिर यही अपने उत्कर्ष पर पहुंची है, आज तक अपने अस्तित्व को बचा करके रखा है। उन्होंने बताया है कि ये हमारी विरासत है और इसकी तरक्की हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।